जहाँ राम को लेकर आए वहाँ हार गए। एक मिनट मिनट, पापी बोलो, मैं बोलता ही नहीं हूँ। आप तो देना पड़ेगा, आप तो देना पड़ेगा ना। राम मंदिर वही है, राम भक्त वही है, बीजेपी नहीं है। पहले बात सुन लो, बीजेपी नहीं है। पहले बात सुन लो, ये कह रहे धिक्कार है हम पर। नहीं है कोई एम हैक नहीं हुई, हार गए। सरकार किसकी बन रही है ये बता दो बस। अब दो सुंदर के आदमी होंगे ना बीजेपी, दो सुंदर के आदमी होंगे ना बीजेपी। मैं क्यों अंदर का हूं, बताया होगा। अच्छा आपको नहीं पता है, आपने नहीं पता 292 से। अच्छा आपको नहीं पता है, आपने नहीं पता 292 सीटों के साथ इंडिया अलायंस कहीं तक नहीं है नक्शे में। 292 सीटों की टक्कर में रुको जरा, और का नारा क्यों दिया था फिर 412 के पीछे लग गए। मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो ये तो कह रहे थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? बोलो बोलो, आपका संतुलन इतना क्यों बिगड़ गया? आप तो हम पे चढ़ने को तैयार हो गए। आपका संतुलन इतना क्यों बिगड़ गया? आप तो हम पे चढ़ने को तैयार हो गए। मैं क्यों करूंगा, लोग दोस्त लौट के आ जाओ, बिन तुम्हारे इंडिया अलायंस अधूरी है। ठीक है सर, जय श्री राम भैया। जय श्री राम, सबका साथ सबका विकास। बोलो उत्तर प्रदेश वालों की जय। दिल्ली वालों ने भी खेला कर दिया सर, खूब खेला हो वो। अयोध्या वालों ने भी खेला कर दिया। बड़ा हरामी हो बुलडोजर का तेल निकला बाबा का तेल निकला, बुलडोजर का तेल निकला बाबा का तेल निकला। ये देख लो, वो से बोलते हैं भाई हूँ, तुम कैसे को भाई बना लूंगा जो तलवार की नोक पे सलवार पहनते हैं। इनके पिताजी को या इनको सरकारी नौकरी मिली है 62 साल से? अरे सरकारी नौकरी से कोई मतलब ही नहीं है। फेर ना परत, फेर ना परत, लो आ गए नफरत करने, आ गए नफरत करने। ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया कुदरत के संबंध, एक नूर से सब ऊंचा। ठीक है, ये आगे देख लीजिए, आगे देश के आरएसएस के लोग जो देश के लिए मुखबिरियां करते थे जब अंग्रेजों से लड़ते थे, आज हमें क्या बोल रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल सरकार तो तुम्हारा बन गई ना सरकार तुम्हारा। वहाँ पे पूछ लीजिए, मैं नफरत नहीं करता हूँ। कौन बन रहा है? प्रभु श्री राम का जितना नाम लेंगे उतनी सीट हारेंगे। राम तुम्हारा है, राम पूरे देश का। इतना सुकून, अरे पूरी दुनिया हार जाते एक मिनट के लिए, हमें इतनी टेंशन नहीं थी। कम से कम अयोध्या तो जीतने देते, 82% वोट थे। आंखों से आंसू आते, अंदर से मन रोता है। मोदी जी का हाल वो वाला होने वाला है जो हमारे सोशल मीडिया पे निब्बा निब्बी चलते हैं ना, मेले बाबू ने थाना थाया। चंद्रबाबू नायडू से पूछेंगे, मेले बाबू ने पानी पिया। नीतीश बाबू से पूछेंगे, नीतीश बाबू ने जरा सा मुंह इधर करा, मेले बाबू नाराज क्यों है? फिर उसके बाद अगर चंद्रबाबू नायडू ने जरा सी आंखें दिखाई, मेले बाबू को क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है। अब मोदी जी का हाल वो होने वाला, निब्बा निब्बी वाला हाल होने वाला है। बुलडोजर का तेल निकला बाबा का तेल निकला, बुलडोजर का तेल निकला बाबा का तेल निकला। जब हम कहीं जाएंगे, कोई हमसे मिलेगा, पूछेगा कहाँ से आए हैं, तो हम बताएंगे कि हम अयोध्या से आए हैं। तो ये बड़ी तकलीफ की बात है कि हम उन्हें कैसे बताएंगे जब वो पूछेंगे कि क्या हुआ था वहाँ, क्यों हार गए, भाजपा क्यों हार गई। हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हमसे भोजन नहीं हो रहा है, बस हम 2 दिन से भोजन नहीं कर रहे हैं। हम भोजन तभी करेंगे जब हमारे कानों में सुनाई देगा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ ना, तब मैं भोजन करूंगा। और ये तो लेटेस्ट न्यूज है, और ये अयोध्या की जनता को भगवान राम ने हमेशा से सम्मान दिया, और यदि कोई बोल रहा है ना तो वो पाप कर रहा है, वो अपराधी है। मेरा मजाक तो अभी वीडियो तो आगे बहुत ज्यादा बाकी, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। लेकिन उससे पहले हम आप लोग को बता दें, यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को दिल पर ना लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि राहुल गांधी के जीतने के बाद उनका संतुलन बिल्कुल बिगड़ ही गया है, और इसका संतुलन बिगड़ा है चलो आप लोग को दिखा देते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलो वीडियो को करते हैं शुरू, और वीडियो में बने रहना लास्ट तक। दशा की वो काली रात याद करिए जब लोग टटोल रहे थे अंधेरे में,
वो डर वो सहमी रात सोचिए वो बीबी इसको अयोध्या का विकास नहीं दिख रहा है, इसको छाती पर बड़ा पत्थर बांध करके स्वयं जाके डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। हमारे जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी राजनीति में ले आए, मैं इनकी जो है क्या बताऊं, अब इस तरह की भाषा लोग बोलने वाले पता नहीं कहां गायब हो जाए। नेवर। ये है भक्तों का हाल, ये कटोरे पर है फिर भी धर्म लिहाज नहीं है, हाथ में निर्भर अब ये बैसाखी पे निर्भर हो गए। मोदी जी का हाल वो वाला होने वाला है जो हमारे सोशल मीडिया पे निब्बा निब्बी चलते हैं ना, मेले बाबू ने थाना थाया चंद्रबाबू नायडू से पूछेंगे, मेले बाबू ने पानी पिया नीतीश बाबू से पूछेंगे, नीतीश बाबू ने जरा सा मुंह इधर करा मेला बाबू नाराज क्यों है, फिर उसके बाद अगर चंद्रबाबू नायडू ने जरा सी आंखें दिखाई मेले बाबू को क्या हो गया, तब ये ठीक नहीं है। अब मोदी ये राम को ला सकते हैं तो राम इन्हें क्यों नहीं लाए, राम नाराज चल रहे हैं क्या? नहीं आप राम नाराज चल रहे हैं क्या? नहीं मैं तो लगातार बोल रहा हूँ नरेंद्र मोदी जाए राम मंदिर, अब तो मालूम है राम का नारा ही बंद कर दी मोदी जी, अब बोले जय जगन्नाथ, दक्षिण सीट आई है ना तब बोले जय जगन्नाथ। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मजेदार वीडियो हमेशा हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, इसलिए अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बेल को दबाएं, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक बाय।